यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं अपने आप को समर्पित करने के लिए, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप अनुग्रहकारी हैं और आप हमारे जीवन को परिवर्तित करके हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनाते हैं, ताकि इस पृथ्वी पर हम आपके पुत्र, हमारे जीवन से आपके पुत्र को का प्रगटीकरण हो और आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। यही उद्देश्य है जिसके कारण प्रभु आपने समस्त मानव जाति को छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन का वारिस बने और आपकी महिमा का कारण बने। आपके योजनाओं के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 98 में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड बिलीफ, यानी धारणा और विश्वास। पहले हमने देखा था धारणा और सत्य, यानी परसेप्शन एंड रियलिटी या ट्रुथ। अब है धारणा और विश्वास। अब तीन चीज हो गई, परसेप्शन यानी धारणा, फिर उसके बाद है सत्य या वास्तविकता, और फिर है विश्वास। ये विश्वास का मतलब बिलीव, बिलीव यानी हमारे मन का विश्वास, हमारे मन में क्या विश्वास है, हम क्या विश्वास करते हैं और क्या करना चाहिए। परसेप्शन एंड बिलीव आर टू वर्ड्स दैट रेफर टू मेंटल स्टेट्स और कंडीशंस, यानी ये धारणा और विश्वास या बिलीव, ये वो दो शब्द हैं, धारणा और विश्वास दो शब्द हैं जो मानसिक अवस्थाओं या स्थितियों को संदर्भित करते हैं और दैट इन्फ्लुएंस द वे इन विच वी सी थिंग्स अराउंड अस, यानी जो हमारे आसपास की चीजों को देखने के तरीके को प्रभावित करते हैं। क्या चीज है जो हमारे आसपास चीजों को हम देखते हैं और उसको किस रूप में अंडरस्टैंड करते हैं? देखिए, जो आप समझ रहे हैं वो है जो आप उस चीज के बारे में धारणा रखते हैं। आप किसी चीज के बारे में क्या धारणा रखते हैं, वो आपकी समझ है और वो समझ आपकी आपके वातावरण से आपके अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये दो शब्द हमेशा याद रखिए, धारणा और विश्वास। लोग अक्सर कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, जब कलीसिया में आते हैं, जब उनसे पूछो कि आप विश्वास करते हैं तो वो कहते हैं हाँ करते हैं, वो सही बोल रहे हैं, हाँ विश्वास करते हैं। आपका प्रश्न गलत है, आपको ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए सेवक को परमेश्वर के, कि ये प्रश्न कभी नहीं करिए लोगों से कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं, क्योंकि विश्वास सब में होता है। लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए कि आप क्या विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि वो अंधा था, उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं ये कि मैं देखने लगूं। उसने कहा कि क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कहा हां प्रभु। यीशु मसीह ने उससे कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यहां पे जिस विश्वास की बात की जा रही है वो बिलीव, उस व्यक्ति को बारे में लिखा है कि वो वहां से चला गया और रास्ते में चंगा हो गया। तो चंगाई कैसे मिली? नहीं, चलते चलते वो चंगा हुआ, लेकिन चंगाई कैसे मिली? क्या विश्वास? नहीं, ये विश्वास नहीं किया उसने, ये विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। उसने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, यू आर एबल टू डू दिस, यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता,
और इतने सेवकों के बारे में बाइबल में लिखा है, कोई सेवक भी नहीं कर सकता अगर परमेश्वर की आत्मा उसके साथ ना हो और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ना हो, वो भी नहीं कर सकता। कोई कंधे की आंख नहीं खोल सकता, कोई कोढ़ी को शुद्ध नहीं कर सकता। ये आश्चर्य कर्म किस आधार पे हुआ था? यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया कि आप कर सकते हैं। और ये कठिन चीज है कि कोई अन्य जाति का व्यक्ति आए और कहे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। कारण यहां पर फिर लिखा हुआ आगे, क्योंकि वचन को जो लोग नहीं समझते या वचन में कच्चे हैं, वो इस तरीके की गलत गतिविधियों का शिकार बनते हैं, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, और वो धार्मिक तरीके से, धार्मिक चश्मे से इन चीजों को देख रहे हैं। प्रार्थना से नहीं होता। चंगाई यीशु मसीह ने दी उस व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी, तब चंगाई होती थी। यीशु मसीह ने किसी के लिए प्रार्थना करके चंगाई दी हो तो बताइए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, एक स्त्री ने उसको पीछे से आके छुआ और 12 वर्ष से लहू बहता था, वो चंगी हो गई। यीशु मसीह को पता भी नहीं था। जब यीशु मसीह को पता कैसे चला? उसके अंदर से सामर्थ निकली, उसके वस्त्र के छोर को छुआ था। क्या निकला था? यीशु मसीह का, मुझ में से सामर्थ निकली, किसी ने मुझको छुआ। तो कैसे चंगाई होती थी? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सामर्थ थी, है और रहेगी। उसके अंदर चंगाई की सामर्थ थी, वो जीवित है, आज भी वही सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। क्या चीज बदल गई है कि वो आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे? यीशु मसीह की उपस्थिति कलीसियाओं में नहीं है, यीशु मसीह की उपस्थिति परिवारों में नहीं है, और इसीलिए आश्चर्य कर्म या सामर्थ के काम नहीं हो रहे हैं। अब इस स्टडी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मान लेना कि हम विश्वास करते हैं और अपने विश्वास को करेक्ट कर लेना क्या चीज जरूरी है? अपने आप को चेक कीजिए और अपने आप को करेक्ट कीजिए, ताकि आपके जीवन में वो काम जो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना चाहिए, वो हो। ठीक, अब हम देखते हैं कि परसेप्शन इज द वे इन विच यू सेंसरी इंफॉर्मेशन टू नोटिस समथिंग, और द वे इन विच यू अंडरस्टैंड समथिंग। यानी आप ये जो परसेप्शन है या धारणा है, ये धारणा है क्या? धारणा वो तरीका है जिसमें आप किसी चीज को नोटिस करने के लिए संवेदी जानकारी, या जिस तरह से आप कुछ समझते हैं। विश्वास किसी चीज के बारे में एक दृढ़ विश्वास या स्वीकृति है, वो दृढ़ता के साथ होता विश्वास। जैसे उस अंधे ने कहा था, हाँ आप कर सकते हैं, तो प्रार्थना उसने नहीं की थी, उसने रिक्वेस्ट की थी, और यीशु मसीह ने उससे प्रश्न किया था, और वो प्रश्न उसके मन का प्रश्न था कि मन में तुम क्या सोच के आए हो कि मैं हाथ रखूंगा और तुम चंगे हो जाओगे? उसने कहा ना, विश्वास नहीं होगा तो मेरे छूने से भी कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह छू के चंगा नहीं कर सकता था जब तक वो यीशु मसीह पर भरोसा ना करे कि ये कर सकता है। इसी को बिलीव कहते हैं, कि आपके मन का भरोसा किस पर है? प्रार्थना पर, परमेश्वर के सेवक पर, या यीशु मसीह पर? व्हाट यू बिलीव, आप क्या बिलीव करते हैं? आपका बिलीव जो है ना, वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। धारणा आपके अंदर क्या चल रही है, किस धारणा का शिकार आप बने हुए हैं? बिलीव इज अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और एक्सेप्टेंस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज का दृढ़ता आ जाना कि नहीं, यीशु मसीह कर सकता, कोई नहीं कर सकता, यीशु मसीह कर सकता। ये वाला विश्वास अगर आपके अंदर है, ये कन्विक्शन है, ये अगर दृढ़ता के साथ है, तो आपके लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो ना हो। और वही वाली बात होगी कि आप लोगों को ये बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया और उसने ये किया। गवाही में प्रार्थना भी नहीं आएगी, ना गवाही में किसी सेवक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? उसी का आएगा जो कर सकता है, और वही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। उससे आपको जुड़ना है, और विश्वास के बिना जुड़ नहीं सकते। द की डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड बिलीफ इज दैट बिलीफ इज अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, वेयर एज परसेप्शन इज ओनली द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नोटिस समथिंग। यानी धारणा केवल ये है कि वो धारणा आपको ये बताती है कि आप नोटिस करते हैं कि कौन कर सकता है, ये कैसे हो सकता है,
ये धारणा है, लेकिन बिलीव यानी विश्वास जो आपके अंदर, वो ये होना चाहिए कि यही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इसको कहते हैं। ये दोनों चीजें मिलके आपके जीवन में आश्चर्य काम करेंगी, जिंदगी बदल जाएगी। लोग आज कलीसियाओं में जा रहे हैं और वो विधियों में बंधे जा रहे हैं। छुटकारा नहीं हो रहा है, बंधन है। जैसे वहां पे था इसराइलियों में, वहां जाते थे मंदिर में और वो बंधन में बन जाते थे कि अब तो जाना ही जाना है, हर बार जाना और वही करना है रिपीटेडली रिचुअल्स में। वही चीज यहां पर हो रही है, तो सेम मानसिकता फैल गई। जी मेरे साथ एक पद निकालिए, इब्रानियों की पत्री 5:12-13-14 तीन पद पढ़ेंगे हिंदी में फिर इंग्लिश में। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन, नहीं ये इब्रानियों 5:12-13-14 इब्रानियों 12:13-14 समय के विचार से तो तुम्हें, ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा, यानी जो हम लोग कर रहे हैं डीप टीचिंग बैक में जाके आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे देखिए, टीच सही टीचिंग ना होने के कारण कलीसियाओं की कंडीशन यहां पर बताई जा रही है, ऐसी हो गई है। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले, ये आपको ये मालूम है, ये भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रभु परमेश्वर हमको ये समझाए कि हमारी शिक्षा में हमको परिपक्व पेड़ बनना चाहिए, फलवंत पेड़ कि जिसमें फल आ गए हो। हम फलवंत होने के बजाय आज हम वैसे ही पौधा बने हुए, दूध पीने वाला बच्चा। ये मसीही जीवन नहीं है जी, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी क्या चीज, ज्ञान की कितनी इंद्रियां हैं, ज्ञान की कितनी इंद्रियां हैं आपके पास, किसी को नहीं मालूम। 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां आपकी क्या कर रही हैं, इसका बिलीव और परसेप्शन दो चीजों से बहुत नजदीक का रिलेशन है। इंद्रियों का काम है जी, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में क्या निपुण हो गई। आप देखकर किसी को समझ सकते हैं कि कौन सही कौन गलत है, कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। यीशु मसीह देखकर लोगों के मन पढ़ लेता था। कैसे? जब बॉर्न अगेन के बाद हमें पवित्र आत्मा मिल गया। यीशु मसीह के जीवन में भी पवित्र आत्मा था, हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा उसको सब कुछ प्रकट करता था, हमको क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम वचन से बिल्कुल दूर हैं, शिक्षा से बिल्कुल दूर हैं, हम राइट गाइडेंस से बिल्कुल दूर हैं। हम अपनी दुनिया में हैं और हम अपने माहौल में, हमारे मन के अंदर हमारा माहौल भरा हुआ है और हम आकर 2 मिनट बैठकर सुनते हैं और हम अपने आप को मसीही कहते हैं और विश्वासी कहते हैं। क्या पॉसिबल है ऐसा? इम्पॉसिबल। जब तक आप अंदर से पूरी तरीके से नए नहीं हो जाएंगे, आपका मन नया नहीं हो जाएगा, आपकी जिंदगी नई नहीं होगी, और तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, शुरुआत ही नहीं हुई है। जी जी इंग्लिश में। और इवन दाउ बाय दिस टाइम यू ऑट टू बी टीचिंग अदर्स, यू एक्चुअली नीड समवन टू टीच यू ओवर अगेन द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड्स वर्ड यू हैव कम टू नीड मिल्क नॉट सॉलिड फूड फॉर एवरीवन हु कंटिन्यूज टू फीड ऑन मिल्क इज ऑब्वियसली
inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness of conformity to the divine will in purpose, thought and action, for he is a mere infant, not able to टॉक यट, यानी तुम तो इस लायक नहीं हो कि तुम किसी से कुछ बोल सको विश्वास के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में, परमेश्वर की सच्चाई के विषय में. जी, बट सॉलिड फूड इज फॉर फुल ग्रोन मैन एंड दोज हूज सेंसेस एंड मेंटल फैकल्टीज आर ट्रेन्ड by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. यानी इसमें इतना डिटेल में खोल के बताया जा रहा है कि आपकी मेंटल फैकल्टीज कहां है. यदि कोई कहता है मैं मसीह में हूं, तो प्रश्नों की बारिश हो जाएगी इसके ऊपर कि तुम कहां से हो. अपने आप को धोखा मत दो. मसीही पैदा होता है और मरता नहीं, लेकिन मसीही बना नहीं जा सकता. ना कोई किसी को बना सकता है और ना कोई अपने आप से बन सकता है. सबसे मुख्य बात यह है कि मसीही बन नहीं सकते ना बना सकते. मसीही पैदा होता है, बॉर्न अगेन पे पैदा होता है, लेकिन मरता कभी नहीं. हमेशा याद रखिएगा वो, क्योंकि मसीह को कोई नहीं मार सकता. मसीह का दूसरा रूप है मसीही. और अगर कोई कहता मैं मसीह में हूं और उसके जीवन में वो सारी चीजें दिख रही जो एक संसारिक व्यक्ति में है, तो वो मसीह में नहीं है. धोखा मत खाना. ये वचन खोल के रख देता पोल. इसलिए आपको बहुत सतर्क होना चाहिए कि परमेश्वर के आगे ने उसके उसकी उपस्थिति में हमारे एक एक चीजें काउंट कर ली जाएंगी कि तुम कितने हो के नहीं हो और कैसे तुम अपने आप को गलत, यानी आप किसी चीज में आपको कोई अप्रूवल नहीं मिला परमेश्वर की ओर से और आपने अपने आप को खुद से सेल्फ प्रमोट कर दिया कि हम हैं. ये भी एक बहुत बड़ा सिन है, इसकी में माफी नहीं है. व्हाट इज अ बिलीफ, यानी ये जो विश्वास है, जो मन के अंदर का विश्वास, ये क्या है? अ बिलीफ इज एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू. यानी मन के अंदर का जो विश्वास जिसे बिलीव कहते हैं, ये क्या है? ये एक मिनट. हाँ, एक विश्वास एक स्वीकृति है कि वास्तविक सबूत या सबूत के बिना भी कुछ भी मौजूद है या सच है. यानी किसी चीज की आपको प्रमाण नहीं है कि ये चीज है, लेकिन आप उसको मान लेते कि यह है बिना प्रमाण के, उसको सच मान लेते हैं. इसको कहते हैं विश्वास. क्या यह विश्वास उस व्यक्ति ने, देखिए अंधे ने क्या कहा था यीशु मसीह ने कहा, क्या तू समझता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कहा हां. प्रमाण नहीं था, उसको चंगाई नहीं मिली. पहले उसने माना कि तू कर सकता है, तब यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए. और अगर मान लीजिए उसका विश्वास ना होता ऐसा, तो उसे चंगाई नहीं मिलती. इसका मतलब कि आपके जीवन में जो कार्य होता है विश्वास से, पहले आपको विश्वास करना, फिर आपके लिए काम होगा. पहले आपको मान लेना कि यीशु मसीह कर सकता है, तब यीशु मसीह करता है. क्या आपने प्रिंसिपल सीखा? यह सिद्धांत है उसका काम करने का. और इसलिए वो अपने ऊपर ये महिमा नहीं लेता कि मैंने कुछ किया. वो कहता तेरे विश्वास ने किया. आज ये वाले विश्वास की जरूरत है. यही सच्चा विश्वास है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. वो उसने कैसे यीशु मसीह पर विश्वास किया था कि वो आप कर सकते हैं? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों से,
कानों से सुना उसकी चर्चा कि वो देखो बीमार चंगे हो रहे हैं, आंखों से देखा और उसने जाकर कहा कि प्रभु मैं भी चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। उसने कहा क्या तू विश्वास करता? उसने कहा हाँ, क्योंकि उसने देखा, दूसरों को चंगा होते देखा और यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी। तो हम जब वचन सुनते हैं और लोगों को देखते हैं, गवाहियां देखते हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह कर सकता है, करेक्ट। अब इसके बाद आगे के ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अ पर्सन कैन डेवलप अ पर्टिकुलर बिलीफ थ्रू डिफरेंट मेथड्स, यानी कई तरीकों से एक व्यक्ति अपने विश्वास को डेवलप कर सकता है। एक बच्चे में विश्वास होता है लेकिन वो बेबी फेथ होता है। जब बच्चा बड़ा होता है और उसका विश्वास नहीं बढ़ा हुआ तो क्या होगा? हैं? तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। उसके विश्वास भी बढ़ना है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं जीवन में, उम्र के साथ साथ हमारा विश्वास डेवलप हुआ के नहीं, इसी को बोला जाता है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ी, साथ साथ आप इसका वो लेते रहिए ताकि आपको पता रहे कि वचन में कहां ये वाली समस्याएं आती हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका पहले 1-2-3 पद पढ़ दीजिए, 4 पद तक, 3 पद तक पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 1-2-3, 3 अध्याय का 1-2-3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात, ये पौलुस की कलीसिया, पास्टर पौलुस ये कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, यानी मैच्योर लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे। इसका मतलब पौलुस को क्या प्रॉब्लम दिखी होगी? उनका फेथ डेवलप नहीं, वो उनका बिलीव जो था मन के अंदर का विश्वास, वो डेवलप ही नहीं हुआ। वो एक ही लेवल पे फंसे रहे, वो एक विधि में फंस गए, वो विधियां पूरी कर रहे हैं। जी, मैं अपोलोस कह रहा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। भाई बच्चा छोटा है, जब अन्न नहीं खा सकता तो उसको दूध ही पिलाना है, ये तो कोई समस्या नहीं है। समस्या इसके बाद आती है, वो कह रहा वरन अब तक नहीं खा सकते, बड़े हो गए। हाँ, अब तक नहीं खा सकते, अब बड़े हो गए, कई साल हो गए कलीसिया में, लेकिन अभी तक वो दूध ही मांग रहे हैं। हार्ड बातें नहीं बोलना हमसे, अरे ऐसे नहीं बोलना, और डराने वाली बातें, हमें डर लगता है आपकी आपकी बातें सुनकर, हमें डर। अरे यार बेबी, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्या कारण था पौलुस की कलीसिया में लोगों का, कलीसिया के लोगों की क्या दशा थी? वो सब शारीरिक थे। शारीरिक लोगों की एक पहचान होती है, वो शारीरिक बातें वो सोचते रहते हैं, शारीरिक बातें बोलते रहते हैं, शारीरिक माहौल में रहते हैं, शारीरिक चीजों में मन लगाए रहते हैं, हर चीज शारीरिक। ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, उधर नहीं जा पा रहे, वो देखिए उन्होंने क्या किया, वो देखो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, वो शारीरिक। इसका मतलब डेवलप नहीं हुआ मन के अंदर का विश्वास। मन मन कहां लगे? कलीसिया में आए अपना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वही, बस ये कारण था। जी, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, उसने पोल खोल के रख दी थी, इसलिए कि जब तुम में, देखिए शारीरिक का निशान सुनिए, इसलिए कि जब तुम में, ये दो फल ऐसे हैं जो शरीर का फल है, ये दिखा देते हैं, डाह और झगड़ा। हाँ, क्या तुम शारीरिक नहीं हो? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा यानी सेवकों के पीछे लड़ रहे हो। प्रभु ने तुमको एक देह मन होने के लिए बुलाया है और तुम वहां पर, हम उस सेवक के हैं, वो हम उधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, हम उनके साथ के, हम उनके साथ के। जी, क्या तुम मनुष्य नहीं? ये जो डिविजन्स की बातें करना, ये सब ये इंसानी दिमाग है। अब देखिए, ये तुरंत तुरंत आपके जीवन से ये चीजें प्रकट होने लगती हैं और आपको पता नहीं चलता है। कहां पे हम लोग थे? थ्रू, हाँ, डेवलप पर्टिकुलर बिलीफ थ्रू डिफरेंट मेथड्स। अ बिलीफ कैन स्टेम फ्रॉम व्हाट द एक्सपीरियंसेस,
यानी हमारा जो विश्वास है वो एक विश्वास जो ये वो अनुभव करता है, यानी जो हम अनुभव करते हैं, हमारा विश्वास एक अनुभव है, वो कैसे ये अनुभव के द्वारा हमको ये हमारा विश्वास जो है उसका एक अनुभव हमको मिलता है, और इसके साथ साथ क्या कैसे ये डेवलप होता है, अनुभव से, अनुभव करने से और पढ़ने से, सुनने से और देखने से, आपकी इंद्रियां इस्तेमाल होती है ना। अनुभव आपके मन के अंदर धारणा में आ गया कि हाँ ये करेंगे तो ये होगा रिजल्ट। उसके बाद आप आंख से देखते हैं किसी चीज को, पहले आप उसको देखते हैं ध्यान से, और आप सुनते भी ध्यान से हैं, पढ़ते भी ध्यान से हैं, तो आंखों का पूरा इस्तेमाल होता है आपके माइंड के साथ, और ये इंद्रियों का जो इस्तेमाल होता है ना, इससे माइंड आपका जो विश्वास है वो डेवलप होना चाहिए। और अगर ये वाला काम नहीं हो रहा है तो आप स्टैग्नेंट हैं, आप गंदा पानी हैं, तालाब में पानी जो बना भरा रहता है वो धीरे 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 पॉल्यूटेड वाटर हो जाता है। तो आपका विश्वास, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाके एक जगह स्टैग्नेंट हो गया, आपने उसको ना आपके अंदर से बाहर नहीं, चर्चा ही नहीं की कभी किसी से, कभी किसी से हेल्दी बातें ही नहीं की बैठ के सहविश्वासी के साथ। ये काम ग्रुप में ही चलना है। प्रभु की बातें देखिए, आप यीशु मसीह के 12 चेले क्यों थे, एक क्यों नहीं बनाया था, एक चेला नहीं हो सकता, 12 उसमें ग्रुप होना चाहिए। यीशु मसीह ग्रुप स्टडी पे बहुत फोकस करता था, वो डिसाइपलशिप ऐसी तैयार की थी उसने, ग्रुप स्टडी। तो बाइबल स्टडी का ग्रुप, आपके आपने जो कुछ प्रभु से आपको मिला, उसको मिलने के बाद जब कोई बर्तन भर जाता है ना, उसमें से निकलना भी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि 80-90 और अपनी सारी उम्र आप भर के और चले गए कब्र में, कभी उंडेला ही निकला ही। हमारे अंदर से जो चीज हमारे अंदर जा रही है वो चीज हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, ठीक है, रिफ्रेश होता है। आगे कहां पे हम लोग थे, रीड हियर और सी। इन एडिशन बिलीव्स कैन आल्सो कम फ्रॉम व्हाट इज टॉट। और विश्वास मालूम है एक तरीके से और आता, मन के अंदर का विश्वास, हमारी शिक्षा से, हमको क्या सिखाया जा रहा है, हमारे घर में परमेश्वर को लेकर हमें बचपन से क्या बताया गया है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम आ रहा है, जिसे आस्था बोलते हैं। आपको आस्था के नाम पे क्या सिखाया गया है, व्हाट इज योर टीचिंग, हाँ, व्हाट इज टॉट। फॉर एग्जांपल, अ रिलीजियस बिलीव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ बिलीव दैट इज टॉट, जो आपको सिखाया जाता है। मोस्ट ऑफ आवर बिलीव्स आर कनेक्टेड टू रिलीजन्स एंड कल्चर। हमारे देश में सबसे ज्यादा मन के अंदर का विश्वास मालूम कहां से आ रहा है, रिलीजन से आ रहा है और संस्कृति से आ रहा है, कल्चर से। तो कैसा वाला आ रहा है मन के अंदर, कैसा विश्वास है, जादू हो जाएगा अगर हम वहां जाएंगे, हम जाएंगे प्रार्थना कराने जाएंगे कलीसिया में और जादू हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वही वाली धारणाएं बैठी हुई है कि ये चमत्कार वो चमत्कार ये चमत्कार वो चमत्कार। तो चमत्कार, हम चमत्कार को देख कर आते हैं। लोग कलीसिया में किस धारणा से आते हैं मालूम आपको, नहीं मालूम, वो लोग इसीलिए आते हैं कि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना होने के कारण वो वहां खूंटी में बंधे जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक वो बंधे रहते हैं, उसके बाद वो देखते कुछ नहीं हो रहा, वो धीरे से निकल रहते हैं। इसलिए आपको कलीसियाओं में लोग समय समय पर बदल जाते हैं, और किसी का कोई लेवल नहीं होता, नए आते रहते, पुराने वो सब एक ही लेवल पे रहते हैं, जो पुराने बैठे वो भी उसी लेवल में है, जो नए आके चले गए उसके बाद जो नए आए वो उन्हीं के लेवल, सब दूध पीते बच्चे जी इसकी जड़ में हम लोग घुस गए कि ये जड़ कहां से ये काम हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स हैव डिफरेंट बिलीफ्स, यानी डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन में तरह तरह के विश्वास हैं। दीज बिलीफ्स कैन बी कंट्राडिक्टरी एज वेल, और इनमें आपस में मतभेद हैं, इस तरीके के विश्वास में। उदाहरण के लिए, एक धार्मिक विश्वास को एक विश्वास के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे सिखाया जाता है। हमारी ज्यादातर मान्यताएं
धर्म और संस्कृति से जुड़ी हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ धार्मिक अनुयायियों का मानना है कि हत्या एक पाप है, जबकि कुछ अन्य धर्म के अनुयायी पशु बलि जैसे अनुष्ठान हत्याओं का उपयोग करते हैं, है ना। और हमारे देश में दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी एक साथ। झगड़ा क्यों है? मान्यताओं को लेके, विश्वास को लेके, आस्था को लेके। ये जो विश्वास है यहां पे, बिलीव जिसको बोलते, यही आस्था है। ये ऐसा विश्वास है जो बचपन में सिखाया गया और उसके बाद उसको डेवलप नहीं किया बेबी लेवल में, कि आपको जो बता दिया बस आप सारी जिंदगी उसको पकड़े रहो, ठीक। और यही अंधविश्वास बन जाता बिल्कुल, कि हमको बस वही विश्वास के नाम पे हमारे पास वही है। ये एक तो ये मानता है कि हत्या पाप है, और दूसरा ये मानता है, दूसरे लोग हैं जो पशु बलि करते हैं, ये उनका आराधना का नियम है। आर ऑफन वेरी किलिंग एज सिन, वेयर एज फॉलोअर्स ऑफ सम अदर रिलीजन प्रैक्टिस यूज रिचुअल किलिंग सच एज एन एनिमल सैक्रिफाइसेस। बिलीव्स डिफरेंस बिलीव्स आर ऑफन वेरी स्ट्रॉन्गली डीप सीटेड इन अस दैट दे इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स इन वेरी पावरफुल वेज। यानी ये जो हमारे अंदर जो मन के अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास बहुत पावरफुल चीज है। धारणा वो तरीका है जिसमें किसी चीज को माना जाता है, व्याख्या की जाती है या समझा जाता है, या इंद्रियों के माध्यम से कुछ समझने की प्रक्रिया है। लेकिन विश्वास एक स्वीकृति है जो कि कुछ मौजूद है या सच है, खासकर बिना सबूत के। और इसीलिए विश्वास अक्सर हमारे अंदर बहुत गहराई से बैठे होते हैं कि वे हमारे विचारों, व्यवहारों और व्यवहारों को बहुत शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करते हैं। अब हमारे देश में, अब आप ये चीज जब समझ गए कि लोगों के अंदर आस्था और उनकी संस्कृति और इन सब चीजों का एक मिश्रण उनके अंदर विश्वास के रूप में बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति आया और आप उसे कहेंगे विश्वास करते हो, कहेगा हाँ विश्वास करते तभी तो आए, तो आपका क्वेश्चन सही था कि गलत था? ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन कभी मत किसी से कीजिए कि तुम विश्वास करते हो, और ना कभी किसी से कहिए कि ये विश्वास करो प्रभु कर देगा सब। ये झूठा झूठा आश्वासन देना है। आपने कैसे कह दिया कि तुम विश्वास करोगे प्रभु कर देगा? आप उसको प्रभु के बारे में सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं, गवाही, बाकी उसकी स्वेच्छा है। वो अगर उचित समझेगा, अगर उसके अंदर ये वाली बात आएगी जैसे उस अंधे ने कहा था हाँ प्रभु तू कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, अगर वो खुद से कहता है कि हाँ प्रभु कर सकता है और मैं प्रभु के पास जाऊंगा, तब तो उसके जीवन में प्रभु की सामर्थ प्रकट होगी, काम होगा। वरना आपके कहने से आप जिंदगी भर उसे समझाते रहेंगे और जिंदगी भर वो आपको टहलाता रहेगा। यही हो रहा है विश्वास के नाम पे। ना खुद विश्वास कभी आपका परिपक्व हुआ तो आप दूसरे को कैसे बता पाओगे? आप खुद परिपक्व नहीं हो, अभी आपके जीवन में फल प्रकट नहीं हुआ, आप अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं आपके जीवन में, आप कैसे जाके दूसरे को बता सकते हैं? हाँ, विश्वासी जब सहविश्वासी आपस में बैठकर शेयरिंग कर सकते हैं, दिस इज गुड, ये हेल्दी है। हाँ, अब हम लोग इसमें इसके लिए एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 1:18। जब हम किसी को जबरदस्ती विश्वास में घसीटने रखते हैं और या किसी पर थोपने लगते हैं विश्वास, तो क्या हो रहा है? ये अब इसको पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की, ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी है, सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो वास्तविकता को, ट्रुथ को, सत्य को। ये अधर्म क्या चीज है? अधर्म का मतलब होता अनराइचसनेस, गलत ढंग से सत्य को प्रस्तुत करना अधर्म है। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना सत्य के नाम पे अधर्म है। क्या हो रहा है? अधर्म ही फैलाया हुआ है, आप लोगों को अधर्मी बना रहे हैं जी। सत्य को, परमेश्वर का क्रोध किस पर है जो ये कर रहा है?
सत्य को अधर्म से दबाए रखना, यानी लोगों तक सत्य, आप किसी की अगुवाई करेंगे और जब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप होंगे तभी वो आपकी आपके पीछे चलेगा, फॉलो करेगा। वो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से देख रहा है, एक एक हरकत आपकी देख रहा है, एक एक व्यवहार देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि ये प्रभु का चेला नहीं है, इसके अंदर वो चीज नहीं है, और आप जबरदस्ती उसको प्रेशर कर रहे हैं, विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास कराया नहीं जाता है, विश्वास तो उसके अंदर है, उस विश्वास को सही होना है। ट्रुथ, सत्य, सत्य के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या बोला था महायाज की, हे प्रभु, हे पिता, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। कहां गया प्रभु का वचन? सत्य वचन कहां है? आप लोगों को सत्य वचन दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती प्रभावित नहीं कर सकते कि तुम्हें ये करना है, तुम ऐसे करो जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो, ये अधर्म है। लास्ट, डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन, नहीं ये हो गया ना, डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड बिलीफ, यानी धारणा और विश्वास के बीच क्या अंतर है। परसेप्शन इज द वे इन विच समथिंग इज रिगार्डेड, यानी ये जो परसेप्शन है या धारणा है, धारणा क्या है? धारणा वो तरीका है जिसमें किसी चीज को माना जाता है, व्याख्या की जाती है या समझा जाता है। धारणा क्या चीज है? किसी चीज को माना जाता है कि हाँ ये चीज है, भले उसका प्रमाण ना हो, हम मान लेते कि यह है, और फिर उसकी व्याख्या की जाती है, उसकी डिटेल व्याख्या आपको बताई जाती है, यीशु मसीह जैसे अपने चेलों को बताता था, और फिर उसको व्याख्या की जाती है और समझा जाता है, फिर वो व्यक्ति जिसको आप व्याख्या दे रहे हो वो समझ जाता है, हाँ ये है, वास्तव में हमने विश्वास तो किया था है, लेकिन अब हमको पक्का हो गया कि ये है, अब आपके अंदर वो चीज एस्टैब्लिश हो गई माइंड में, या इंद्रियों के माध्यम से कुछ समझने की प्रक्रिया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को वचन के द्वारा, जब आपको इतनी ढेर चीजें पिक्चर बना के, चित्र बना के, सब चीजों से आपकी इंद्रियों को ही तो हम प्रभावित कर रहे हैं, ताकि आपकी इंद्रियों को आप देखें। और मालूम है मैक्सिमम लोगों ने गलती क्या की, वो मैसेज सुनते हैं, बोर्ड नहीं देखते, ये प्रॉब्लम, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। आपको सुनना खाली नहीं है, यीशु मसीह ने क्या बोला था ये देखते नहीं है और सुनते नहीं, उन्होंने उसने दोनों चीजों पर जोर दिया था, इंद्रियों पर जोर डाला था, देखो सुनो और समझो, बिना देखे और बिना देखे, बिना देखे सुनना और बिना सुने देखना, दोनों गलत है। विश्वास फिर आपका गलत हो गया जी। ये यहां पे है। इसके बाद इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13:14-15। मत्ती रचित, इनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे, क्यों अब खाली सुन रहे हैं कुछ नहीं समझ में आएगा, लिख के ले लीजिए, यीशु मसीह ने बोला, नहीं आएगा समझ। आज सब कलीसियाओं में लोग बैठकर खाली सुन रहे हैं, मालूम आंख बंद करके सुनते हैं लोग, आधे ज्यादा सो जाते हैं, और कुछ लोग मोबाइल में लगे रहते हैं सुन रहे हैं। हाँ वो सुन रहे हैं ना खाली जी, तुम कानों से तो सुनेंगे सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों अब खाली, कुछ लोग खाली देख रहे हैं सुन ही नहीं रहे जी, देखोगे तब भी तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा जी, क्योंकि इन लोगों का क्या चीज मोटी हो गई। मन मोटा होने का मतलब समझते हैं, ये एक कहने का तरीका है, इनका मन जो है माइंड वो डिस्टर्ब है, माइंड में ये परमेश्वर का वचन माइंड में जा ही नहीं रहा, क्योंकि आंख और कान दोनों का एक अनुपात में इस्तेमाल होना, वो दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई सुन रहा है तो कोई देख रहा है, वो सुन ही नहीं रहा जी। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने, देखिए जब आपकी आपका मन नहीं लगेगा तो आप ऊंचा सुनने लगेंगे, हाँ आपके मतलब की बात नहीं होती तो लोग कैसे बोलते हैं, हाँ हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, सीखा आप जरा अपने मतलब की बात फोन पर करिए, देखिए वहां से आवाज आएगी, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, कट रहा है, रखिए बाद में करेंगे, क्यों नहीं सुनी,
उसके मतलब की बात नहीं थी इसलिए नहीं सुनी थी, ऊंचा सुनने लगे। वो एक कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने और वो देख रहे हैं कि सब कुछ गलत हो, हमसे क्या मतलब, कहीं ऐसा ना हो। अब बहुत ध्यान से सुने, कहीं ऐसा ना हो कि वे, पहले क्या करना है, पहले देखना है, आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझे और मन फिराएं। आपका मन क्यों नहीं फिर रहा है? क्योंकि आंख से पहले देखना है और साथ ही साथ सुनना है। देखो, सुनो और समझो मन में और मन फिराओ, तब कौन चंगा करेगा? लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिल रही? ये क्रिया बंद हो गई, ये क्रिया बंद हो गई। यीशु मसीह दृष्टांत इसीलिए देता था कि लोगों के माइंड पे, उनके मनों पे काम करता था, उनकी जड़ में काम करता था। लोगों की जिंदगी, हमारी और आपकी जिंदगी का जो जड़ है वो हमारा माइंड है। जैसा हमारा माइंड होगा वैसी हमारी लाइफ होगी, जिस तरीके का माइंड होगा उस तरीके की लाइफ होगी, जीवन शैली वैसी होगी। जीवन शैली हमारा माइंड है, आपके माइंड की जीवन शैली आपकी जीवन शैली है। आपके जीने का जो ढंग है, आपके बोलने का ढंग, आपके व्यवहार का ढंग, आपकी हर चीज, आपके सोचने का ढंग, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब माइंड। आपके हर चीज को देखकर ये समझ में आता था ये इस माइंड का व्यक्ति। यीशु मसीह लोगों के माइंड पर बात कर काम कर रहा था। पवित्र आत्मा कहां काम करता? माइंड पे। ऐसे ही नहीं हवा में चमत्कार करते हैं जी। अब देखिए, बिलीफ इज एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ। यानी बिना प्रमाण के किसी चीज को सत्य मान लेना, ये इसी को विश्वास कहते हैं मन के अंदर। प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या बोलते थे, हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बस लास्ट लाइन देते हैं। परसेप्शन इज एसोसिएटेड विद वर्ब परसीव, यानी जो परसेप्शन यानी धारणा है, धारणा का, धारणा की क्रिया कैसे होती है? परसीव, देखने से। आपके मन में जो धारणा है वो धारणा कहां से आती है? देखने से। आप कोई चीज देखते हैं वो आपके मन के अंदर सीधी जाती है, धारणा बन जाती है, परसेप्शन बन जाता है। आप किसी को गलत देखते हैं तो आपके अंदर गलत धारणा उसके प्रति बन जाती कि नहीं बन जाती? यार ये आदमी ऐसा है ना। किसी सही व्यक्ति को आप सही मान रहे थे, एक दिन अचानक उसको आपने देख लिया और गलत देख लिया, तो आप क्या सोचते? आपके मन में एकदम धक्का लगता, अरे ये ऐसा है। तो धारणा कैसे आती? देखने से, है ना। और बिलीफ, बिलीफ इज एसोसिएटेड विद द वर्ब बिलीव, और जो बिलीफ है, विश्वास है, ये इसकी क्रिया है कि बिलीव जो है, जब हम विश्वास कर लेते हैं, मन में बैठा लेते हैं, मान लेते हैं, कि इसी को कहते हैं बिलीव, यानी विश्वास करना या प्रतीति करना, मान लेना, देखना और मान लेना, देखना और मान लेना। आप परमेश्वर के वचन में देखिए और मान लीजिए, देखिए आपके जीवन में आश्चर्यकर्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वही आश्चर्यकर्म होगा जैसे उस जमाने में होता। उसकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में है कि नहीं है? है? तो आप उसकी उपस्थिति से दूर नहीं है, आप दूर सिर्फ इस बात से है कि आपको क्या देखना है और क्या मानना है। यहां पे आपको जानकारी चाहिए, मेरे साथ एक जानकारी ले लीजिए, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुषमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15 पद, मरकुस रचित सुषमाचार पहला अध्याय 15 पद। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्या करो? मन फिराओ, मान लो सुसमाचार को, मान लो, प्रतीति कर लो मन फिरा के। और आप किसी को जाके बाहर क्या बोल रहे हैं? विश्वास करो। बिना मन फिराए वो कहां से विश्वास कर लेगा? उसका मन फिरा नहीं, और मन किसी का आप फिरा नहीं सकते। मालूम क्या करना चाहिए? सवाल आपको करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। आप जिस तरीके से, आपके पास जो अनुभव है कि आपको, आप विश्वास में कैसे आए आज, प्रभु में आप कहां पे हैं, आप अपना विश्वास उसके साथ बांट सकते हैं गवाही के तौर पर और उसको कलीसिया में ला सकते हैं, मसीह की देह में, जहां पर वो उसके जीवन में परिवर्तन का काम करेगा।
और आप खुद ही उसके जीवन में जुट जाते हैं कि मैं इसको बना के ही रहूंगा। ये गलत है कि नहीं? मसीह की देह में जो काम होना है आप उनको प्रेरित करके ला सकते हैं, जबरदस्ती घसीट के भी नहीं ला सकते। आपके जीवन से वो प्रेरित होंगे, आपकी गवाही से प्रेरित होंगे, आपका लेवल सही होगा, लोग आपकी बातों से प्रेरित हो जाएंगे। आपके विषय में लोगों की कैसी धारणा है ये बहुत मायने रखती है। लोगों की दृष्टि में लोग आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये बहुत मायने रखता है। तब आप उनसे बोलेंगे तो वो आपकी मानेंगे। जिनकी नजर में आप बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, सही कि ये बंदा बोलता बहुत सही है, ये बताता बिल्कुल सही है, और इसके उसको उनको आशीष मिलती। आप उनको जाके सिर्फ हल्के से बोलेंगे मेरे साथ चलो प्रभु के यहां, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो। देखिए वो आएगा। हर एक व्यक्ति का क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं? क्योंकि जो आपको जिसकी आपकी पिक्चर जिसके जीवन आपके जीवन की पिक्चर जिसके सामने खराब है ना, जिसकी धारणा आपके प्रति गलत है, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। इवन बच्चे तक नहीं मानेंगे। बच्चे कहेंगे पहले अपने आप को देखो। हालेलुया। ये इसीलिए उसने कहा था यीशु मसीह ने, एकदम साधारण शब्दों से, एकदम साधारण काम है यीशु मसीह का। बिल्कुल कोई किसी चीज में आपको किसी को किसी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। झगड़े लड़ाई का तो काम ही नहीं था। यीशु मसीह ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, सत्य का काम करके गया, और जिन्हें विश्वास करना था उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं करना था नहीं किया। ऐसे ही आज भी है। एक और पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18 पढ़ लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18 जो उस पर, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। आपको दोष लगाने की भी जरूरत नहीं। आप क्यों दोषी पर दोष लगा रहे हो? उस प्रभु की ओर से वो दोषी ठहर चुका। हमें तो लोगों को बचाना है जी, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। जिनके काम बुरे होंगे वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखिए, हमको सीखने को मिलता है कि ये नहीं करेगा क्योंकि इसके काम गलत है, तो हमें दोष भी नहीं लगाना क्योंकि वो दोषी ठहर चुका विश्वास ना करके। तो आपको क्या करना? किसी झगड़ा करने की बात आई? कभी किसी को थोपने की बात आई? नहीं आई। सीखिए, बहुत सरल है। परमेश्वर का काम बहुत सरल है और स्वभाव का बहुत खेल है इसमें। अगर स्वभाव ऐसा होगा काम तड़ातड़ होगा। एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पे बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता मेरा भाई कभी ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा। अब ये देखिए, ये मार्था जो है ये विश्वासी है कि ये इसकी धारणा है, परसेप्शन इसके पास कि ये जो कह देगा ये मिल जाएगा। लेकिन अभी ये विश्वासी नहीं है, धोखा मत खाइएगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि विश्वासी थी ना, यीशु मसीह से क्या बोल रहा। आगे पढ़िए, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, देखिए धारणा आई। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। वो अभी तक दिन नहीं आया और उस जमाने में वो कह रही थी पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, मेरा विश्वास है। ये विश्वास नहीं, ये उसकी धारणा थी जी।
यीशु ने उससे कहा, उसने उसको जानकारी दी, ट्रुथ बोला कि पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यीशु मसीह बिल्कुल 100% ट्रुथ बोल रहा है। ये ट्रुथ हजम नहीं कर पाते लोग। जी अगर वो विश्वासी होती तो यीशु मसीह ये कहता है। मैंने बहुत लोगों को प्रचार में ये कहते सुना कि ये विश्वासी परिवार था। नहीं, वो विश्वासी परिवार नहीं था। उसने उससे कहा, हां हे प्रभु, मैं विश्वास कर। उसने मान लिया, ये विश्वास अभी किया नहीं है, ये मान लिया उसने, प्रतीति कर ली, हां प्रभु जो तू कह रहा है मैं मान लेती हूं। जी के परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, इसने क्या विश्वास किया कि जगत में आने वाला था परमेश्वर का पुत्र मसीह, वो तू ही है, ये विश्वास किया। ये बहुत सही विश्वास था, यही विश्वास करना हमको। जी आगे पढ़िए। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे, मरियम के साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देख करके मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है और ये समझे कि वो जो यहूदी वहां पर थे वो ये सोच रहे थे, उसको तसल्ली देने आए थे, वो ये सोचे कि ये उठ के जा रही कहीं कब्र पे जा रही रोने। अक्सर लोगों के साथ ये होता है। जी तो उसके पीछे हो लिए। देखिए प्रभु का काम, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, ले सेम चीज, सेम सवाल, अगर तू यहां होता। विश्वासी है कि धारणा है? ये धारणा है। कई बार लोगों की धारणा होती है कि हम विश्वासी हैं। नहीं, तुम विश्वासी नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये धारणा बैठ गई है कि तुम्हें लगता है कि तुम विश्वासी हो। जी जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को, इसके साथ यहूदी भी आए थे ना, उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे, रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। इसके बाद यीशु काहे रोया उनकी कंडीशन देखकर कि ये विश्वास में तो बिल्कुल जीरो है, ये कैसे मुझे पहचानेंगे? ये उसी के अपने लोग उसको नहीं पहचानते थे, इस बात पर रोया था। जी तब यहूदी कहने लगे, देखो देखो, अब यहूदी देखिए, ये धारणा आ गई। फिर उनकी धारणा ये थी कि ये लाजर के लिए रो रहा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, अब देखिए परसेप्शन फिर काम कर रहा है, लोगों की धारणा, क्या इसने अंधों की आंखें खोली? ये भी ना कर सका कि लाजर ना मरता, या लाजर को यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, दोस्त था, उसके घर आता जाता था, क्या ये ऐसा भी ना कर सका कि ये मरता ही नहीं? लेकिन यीशु मसीह तो पुनरुत्थान का सुसमाचार देना मांग रहे थे ना, और लोग प्रार्थना करते हैं मृत्यु से बचने की, और यीशु मसीह हमें मृत्यु के पार का जीवन देना मांगता है, पुनरुत्थान का जीवन। मसीही जीवन पुनरुत्थान का जीवन है, पुनरुत्थान के पहले का जीवन नहीं है। जी यीशु मन में फिर बहुत उदास हो गया, कब्र पर आया
वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा यदि तू, ये फेथ नहीं है, ये बिलीव की बात कर रहा है जिसके बारे में आज आपको बता रहे हैं, ये मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी। आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, कठिन चीज मालूम क्या है आपको, खुद ये मान लेना कि यीशु मसीह परमेश्वर का सच्चा इकलौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, ये मान लेना, अपने मन को मना लेना, अपनी बुद्धि को मना लेना, ये कठिन काम है, ये आपको खुद करना है। जिस दिन आप इसमें कामयाब हो गए परमेश्वर की महिमा आप देख सकते हैं जी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, यीशु की आंखें, यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं पब्लिक में, लेकिन मालूम है आत्मा में बात हो रही है। उसने कहा तूने मेरी सुन ली, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करें। यीशु मसीह ये चाह रहा था, उनको मैसेज क्या दे रहा था, उनको मैसेज ये दे रहा था उनके माइंड को कि ये जान ले के पिता ने मुझे भेजा है, मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही मसीह हूं, उनको ये बताने का। तो वो मुंह से नहीं बोलता था, परमेश्वर सामर्थ के कामों के द्वारा अपने आप को साबित करता है कि वो है जी। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकला, जो मर गया था वो कफन में हाथ पैर बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, नहीं, यीशु ने लोगों से कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। थैंक यू जीसस। लाजर जिंदा हुआ कि यीशु मसीह ने कुछ किया। ये मृत्यु, लाजर की मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए थी। कभी कभी लोगों की मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करती है। एक सच्चे विश्वासी की मृत्यु परमेश्वर की महिमा का कारण बनती है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धर्मी की मृत्यु भी उसकी दृष्टि में अनमोल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिस पर विश्वास करना बहुत सरल है लेकिन आज के लोगों के लिए बहुत कठिन है। उसको मान लेना, उसको सच्चा मान लेना और उस पर भरोसा कर लेना और भरोसा करके शांत बैठ जाना बिना किसी क्रिया के। विश्वास जो हमारे मन में है उसमें कोई क्रिया नहीं है, हमें शरीर से कुछ नहीं करना, सिर्फ मन को समझाना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वही उद्धार करता है। हमारे जीवन में उसकी सामर्थ प्रकट होती है और अद्भुत आश्चर्यकर्म शुरू हो जाते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।